हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बताया कि धर्मशाला में इन्वेस्टर मीट बीजेपी कार्यकर्ताओं का मेला था। ये किसी भी दृष्टि से इन्वेस्टर मीट नहीं लग रही थी। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आरबीआई से 1,75,000 करोड़ रुपए सरकार ने छीने हैं और ये पैसा देश की प्रगति में नहीं बल्कि बड़े औद्योगिक घरानों के कर्जों में राहत देने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब राष्ट्रीयकृत बैंकों में लोगों का पैसा सुरक्षित नहीं है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बताया कि धर्मशाला में इन्वेस्टर मीट बीजेपी कार्यकर्ताओं का मेला था। ये इन्वेस्टर मीट किसी भी दृष्टि से नहीं लग रही थी। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आरबीआई से 1,75,000 करोड़ सरकार ने छीने हैं और ये पैसा देश की प्रगति में नहीं बल्कि बड़े औद्योगिक घरानों को कर्जों में राहत देने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब राष्ट्रीयकृत बैंकों में लोगों का पैसा सुरक्षित नहीं है। इन सारी बातों को लेकर कांग्रेस ने चंबा से लेकर शिमला तक का विभिन्न स्तरों पर प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। उन्होंने बताया कि हिमाचल में पहले से स्थापित उद्योगों को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। धारा 118 के साथ छेड़छाड़ करने का भी प्रयास हो रहा है। इसलिए उन्होंने हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर बाई एस परमार के कृषि पर हिमाचल बचाओ अभियान चलाया था। उन्होंने कहा कि भाजपा पंचायती राज से जुड़ी संस्थाओं को तोड़ने का प्रयास कर रही है। पूरे प्रदेश में इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को विभिन्न मंचों पर अनादर एवं अपमान किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि लवी मेला आयोजन में जिस तरह से विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता का अपमान हुआ है, ऐसी घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भाजपा का ग्राफ तेजी से गिरता जा रहा है। पिछले हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव में ये सब देखने को मिला है। हम गवर्नर के पास जाएंगे और देयर इज प्रिविलेज मोशन आल्सो, अगर होगा तो विधानसभा में अगर किसी विधायक की अनदेखी होती है तो ही कैन मूव प्रिविलेज मोशन। और एक बात हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता आती है जाती है, कभी स्थायी नहीं रहती। तो कल को हमारा भी शासन आएगा तो हम भी पूरा हिसाब किताब करेंगे। हम अभी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, उसके बाद जरूरत पड़ी तो हम किसी भी एक्सटेंड तक जा सकते हैं। हमारा ये मानना है कि कुछ जो अति उत्साही जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अफसर हैं, वो जो है भारतीय जनता पार्टी के आकाओं को खुश करने के लिए जो है एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि जो भी सरकारी अफसर हैं उनको एक नियम और कायदे के तहत काम करना चाहिए और एक जो लक्ष्मण रेखा है उसको वो पार करने का प्रयास नहीं करे, अन्यथा जो है गलत होगा। विधायक नंदलाल रामपुर ने कहा कि लवी मेले की सांस्कृतिक संध्या में जिस तरह से उनका अपमान किया गया है, उसे देखते हुए एसडीएम रामपुर बुशहर के खिलाफ विधानसभा में प्रिविलेज मोशन लाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन के लोग इल टॉक कर रहे हैं, भी सरकारी तंत्र की तरह काम न कर किसी पार्टी के विशेष के लिए काम कर रहे हैं, प्रोटोकॉल का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इस तरह इलेक्टेड लोगों के साथ इस तरह का कोई बिहेव होता है, एक प्रिविलेज मोशन लाएंगे हम विधानसभा के अंदर जिसमें सारी बात का पता चल जाएगा आपको। मेरा कोई कमेंट नहीं रहेगा इस पर, मैंने पहले ही कह दिया। अगर आपने सुना हो, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकारी जो नौकरी करने वाले लोग हैं, उनका एक बैलेंस, जैसे उन्होंने कहा बैलेंस होना चाहिए काम करने का। ये नहीं कि वो अपना देश स्टार्ट बिहेविंग लाइक एजेंट्स, रूलिंग गवर्नमेंट के एजेंट्स, पार्टी के एजेंट, वो नहीं होना चाहिए। ये बहुत शर्म की बात है, मतलब सरकारी चंद पढ़े लिखे लोगों में ये बात नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली आई नॉट हेजिटेट टू से, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, आई मीन यू हैव अ सर्टेन रोल टू प्ले, आपको कुछ काम करना है। अगर आप उसमें काम करने में नाकाम है तो कुछ भी हो सकता है।